हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैप्टन कूल की। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज उनके करियर की आखिरी सीरीज होगी। उन्होंने कहा कि करियर के दौरान उरूजो जवाल आते रहे, तहम आखिरी सीरीज हाई नोट पर खत्म करना चाहता हूँ। मिसबाह ने मजीद क्या कहा ये बताएंगे मिर्जा रमजान बेग अपनी रिपोर्ट में। कजाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह उल हक का कहना था कि इनके ऊपर रिटायरमेंट के लिए कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि वो ये फैसला अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इनका कहना था कि हर मैच में कामयाबी नहीं मिल सकती, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हैं और बतौर कप्तान सरफराज को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 2011 और 15 के वर्ल्ड कप जीतना ख्वाब था। बड़ा अच्छा सफर रहा है और जो भी अचीवमेंट्स हैं उससे मैं खुश हूँ। जो टाइम गुजरा पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, उसको बड़ा एंजॉय किया और आई थिंक के इस क्रिकेट से मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ जो भी मैंने किया। रिटायरमेंट के बाद की मंसूबा बंदी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए मिसबाह उल हक ने कहा कि अगर डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे की ऑफर हुई तो वो बाद में सोचेंगे। इनका अभी तक कोई खास प्लान नहीं है, तहम कुछ अरसा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहेंगे। मिसबाह उल हक ने कहा कि वेस्ट इंडीज में कंडीशन चैलेंजिंग है, इसलिए जीतने के लिए इतमाद चाहिए। सिलेक्शन से मुतल्लिक सवाल के जवाब में इनका कहना था कि सिलेक्शन कमेटी बेहतर जवाब दे सकती है, अफसोस रहेगा कि इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेल सका। अभी तक कोई फाइनली सोचा नहीं है इस बारे में, बट कोशिश तो ज़रूर होती है कि जहाँ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकें किसी के लिए भी, क्योंकि आज मैं अगर यहाँ पे हूँ तो उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, लोगों ने जिन्होंने गाइड किया, जिन्होंने सपोर्ट किया, जिन्होंने हेल्प आउट किया थ्रू आउट माई कैरियर और ज़िंदगी में। तो आई थिंक कोशिश यही होती है कि उसको पे बैक करें, जहाँ पर भी कुछ दे सकते हैं किसी को उसको जरूर हेल्प आउट करें। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का फैसला तो एक साल पहले ही कर लिया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर रुकना पड़ा। इनका कहना था कि मुझे जो इज्जत मिली है इस पर अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल पर गुफ्तगू करते हुए मिसबाह उल हक ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग जैसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अब प्लेयर समझदार हो गए हैं। कैमरामैन ज़ैनुल आबिदीन के साथ मिर्जा।